कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में निकाली जा रही है। राहुल गांधी स्वर्गीय सांसद राजीव सातवा की समाधि के दर्शन कर उन्हें याद करते हुए भावुक हो गए। बता दें कि सांसद स्वर्गीय राजीव को कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिना जाता था। पिछले साल कोरोना से राजीव सातवा का निधन हुआ। राजीव सातवा को गांधी परिवार का करीबी माना जाता था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंगोली के कलमनुरी में विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान राहुल गांधी ने ढोल बजाया और स्वर्गीय सांसद राजीव सातवा को याद करते हुए भावुक हो गए और राजीव सातवा को नमन कर उन्हें याद भी किया। महाराष्ट्र में पहले दिव्यांगजन मंत्रालय को मंजूरी मिलते ही दिव्यांगों ने अमरावती में हर्षोल्लास के साथ आनंद उत्सव मनाया और साथ ही दिव्यांगों ने खुशी भी जाहिर की। देश का पहला राज्य जहां दिव्यांगजनों का स्वतंत्र मंत्रालय कैसा है, नेटवर्क 10 के संवाददाता ने दिव्यांगों से बातचीत की है। राज्य मंत्री विधायक बच्चू कडू से भी खास बातचीत की है। महाराष्ट्र में पहले दिव्यांगजन मंत्रालय को मंजूरी मिल गई है। दिव्यांग मंत्रालय के अभी निर्माण हो रहा है। 30 दिसंबर जागतिक दिव्यांग दिन है, उसी दिन उसकी घोषणा होगी। देश का पहला राज्य होगा जिसमें दिव्यांग मंत्रालय स्थापित होने वाला है। और इससे जो अभी तक जो ग्रामीण लेवल पे जो कर्मचारी होना था वो नहीं मिल रहा है, जैसा जिला पे जो कार्यालय दिव्यांगों के लिए नहीं है। और 2-3 करोड़ एक राज्य स्टेट की जो लोकसंख्या गिनती है इनकी, कम से कम 2.5 करोड़ तक है। और इस 2.5 करोड़ लोगों को संभालने के लिए एक भी कर्मचारी अपने पास नहीं था, खाली आयुक्त कार्यालय थे और उसके 5-6 दिन 6 लोग काम कर रहे थे। अब इससे ये होगा कि 600 कर्मचारी इस दिव्यांग मंत्रालय को मिलेंगे और पूरे जिले में, हर जिले में इसका ऑफिस रहेगा। मैं पहले तो बहू के लिए अपना दिव्यांग का अमरावती शहर से मांग रहा हूँ। और दूसरी बात ये थी कि जब हम महानगर पालिका जाते थे या और भी शासकीय जगहों पे जाते तो हमको बहुत दिक्कत आती थी। बहू के जीआर थे, सब कुछ था, हम लड़ रहे थे, फिर भी हमारा एक अधिकार नहीं था कि भाई हम किसके हैं, हमारे पास मंत्रालय नहीं था। अब बहू का वो 25 साल की जो मेहनत है मंत्रालय बन गया, तो ऐसे समझ लिया इस मंत्रालय के बनने के बाद जो दिवाली दशहरा आप मनाते तो उस हिसाब से हमने कल हमने उत्सव मनाया। विगत 20 वर्षों से स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय की मांग करने वाले राज्य के पूर्व मंत्री तथा विधायक बच्चू कड़ू, इनकी मांग राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा मंजूर की गई, जिसके चलते आज बड़ी मात्रा में दिव्यांगजन यह विधायक बच्चू कड़ू के मुलाकात के लिए यहां पर पहुंचे हैं। आज उन्हीं दिव्यांगजनों की जुबानी उनका इस मंत्रालय मिलने के बाद में क्या कहना है, यह हम जानने का प्रयास करते हैं। विधायक बच्चू कड़ू सर के यहाँ आ गए, तो 20 साल से जो मांगे पूरी होनी थी बाकी थी, तो ये मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इनके वजह से वो पूरी हो गई। और अपंगों को जो निधि मिलना था कुछ दिक्कत थी, तो यहाँ सब भारत में नहीं था वो स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय, आज बच्चू भाव कड़ू साहब ने यहाँ मंजूर करके लाया, इसके वजह से हम सब दिव्यांगवासी सब खुश है। इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, बीड में पंचायत चुनाव को लेकर उद्धव गुट की शिवसेना के हौसले बुलंद है। पार्टी ने जिले की सभी 704 ग्राम पंचायतों में ताल ठोकने का ऐलान किया है। इसके लिए पार्टी ने प्रत्याशियों की तलाश भी शुरू कर दी है। पार्टी के जिला अध्यक्ष सचिन मुलक ने जीत का भरोसा जताया। गौरतलब है कि 18 दिसंबर को मतदान होगा और 20 दिसंबर को परिणाम घोषित होगा। निर्वाचन आयोग ने फिलहाल ग्राम पंचायत का इलेक्शन लागू किया वाला है, इसी के बारे में बीड जिला के 704 ग्राम पंचायत के इलेक्शन अभी होने वाले हैं। हमारे साथ बाला साहब शिवसेना के गुट जिला अध्यक्ष सचिन जी मुलुक यहाँ पर है, मौजूद है।
सचिन भाई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र में लगे ये ग्राम पंचायत की इलेक्शन जो है वो बीड जिले में 704 ग्राम पंचायत की इलेक्शन लगे वाले हैं। हम बारा साहब की शिवसेना के वजह से और एकनाथ शिंदे साहब के आदेश से हम जो ग्राम पंचायत की निवडणूक है पूरी ताकत से इसमें उतर रहे हैं और हमें यकीन है कि लोग हमारे साथ हैं, एकनाथ शिंदे साहब के साथ हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार चुनके लाने की कोशिश करेंगे और बाला साहेब की शिवसेना का झंडा हमेशा ऊपर ही रखेंगे। 107 जगह पर आप उम्मीदवार खड़े करेंगे? नहीं, ये माजलगांव तालुके में 44 ग्राम पंचायत की निवडणूक है। यहाँ पे 44 गांव में हम पूरे ताकत से उम्मीदवार दे रहे हैं, पूरे पैनल हमारे रेडी है। ऐसे ही पैनल हमारे दूसरे तालुके में भी है। सब जगह पर हम खुद की ताकत आजमाने का हमें ये मौका मिला है और हम ये ताकत पूरी ताकत से हम आजमाएंगे। पुणे के राजगुरु नगर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई। ये यात्रा राजगुरु नगर से आलंदी तक 27 किलोमीटर तक निकाली गई। भारत जोड़ो यात्रा में विधायक दिलीप मोहिते ने भी हिस्सा लिया और साथ ही लोग भी बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हुए। इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और आदित्य ठाकरे ने भी भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। विधायक दिलीप मोहिते ने कहा कि भारत को फिर से एक बार कांग्रेस की जरूरत है। साथ ही विधायक ने यह भी कहा कि इस यात्रा में आसपास के नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है। क्या कहेंगे सर, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है उसके बारे में क्या कहेंगे? लोकशाही बचाने के लिए जो काम उन्होंने शुरू किया वो काम के लिए हम सब लोग को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब सुप्रिया सुले, उन्होंने ऐलान किया है कि राजीव गांधी के साथ जो शामिल हो रहे हैं, हम सब लोग राहुल गांधी के साथ हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा का कुछ नतीजा निकलेगा? बिल्कुल। हम इस वक्त पुणे के राजगुरु नगर में भारत जोड़ो आंदोलन में सहभागी हो चुके हैं। राजगुरु नगर से आलंदी तक यह यात्रा 27 किलोमीटर तक चलने वाली है। यहाँ के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनके साथ बात करने वाले हैं। क्या कहेंगे सर, आज आपने भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया हुआ है? आज राजगुरु नगर से आलंदी भारत जोड़ो यात्रा कीर्तन दिन सर्व पुरोगामी सम्मानित आयोजित करण्यात आलेली आहे। देश में आता नफरत का माहौल फैला हुआ है, गांव गांव तक नफरत फैल चुकी है। अरे नफरत कम करने के लिए, आदमी आदमी के दिल में प्रेम उठाने के लिए हम लोग आज पैदल यात्रा कर रहे हैं और हमारा मकसद ये भी है हर आदमी प्यार से जुड़ना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। जो आजकल द्वेष का माहौल, नफरत का माहौल शहरों को था, मेट्रोपॉलिटन, अब वो गांव गांव तक आ गया है। यह यात्रा आगे भी बढ़ने वाली है। हमारे साथ और भी कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनके साथ बात करेंगे। क्या कहेंगे राहुल गांधी का, इस यात्रा का नतीजा क्या निकलेगा? आज की स्थिति में जो भी है, आज देश को इकट्ठा होना जरूरी है और इसकी पहल राजीव गांधी जी ने की है, हम उनके समर्थन में। कल क्या हो रहा है ये पता नहीं, पर आज जिसकी ज़रूरत है उसकी शुरुआत हो चुकी है और ये जरूरी है। ये पुणे के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता थे जो भारत जोड़ो में सहभागी हो चुके हैं। कैमरामैन संतोष देवकर के साथ सिद्धेश कर्नावट, नेटो 10 पुणे। बीड में लोक अदालत का आयोजन हुआ जिसमें 68 दीवानी मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें कुल 1,99,24,000 रुपए की वसूली हुई। वहीं 49 आपराधिक मामलों और 93,79,781 रुपए जमा किए गए। साथ ही 27 मामलों का कोर्ट में प्रवेश से पहले ही निस्तारण किया गया। 27 केस SBI और महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक से जुड़े हुए थे। कुल 3,05,53,565 रुपए की वसूली हुई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हिंगोली के कलमनुरी तहसील पहुंची, जहां धननगर समाज ने संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन किसी वजह से राहुल गांधी संवाद किए बिना ही रवाना हो गए, जिससे कि धननगर समाज में नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि समाज की कई मांगों का ज्ञापन लेकर यात्रा आगे रवाना हुई।
नागपुर में 8 महीने की बच्ची के अपहरण के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने तलाश शुरू की है, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अगवा बच्ची को सकुशल रेस्क्यू कर परिजनों को सौंपा है। फिलहाल पुलिस गिरोह के 3 सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। 2:30 बजे के आसपास इसमें बच्चे को सुखरूप रिकवर किया गया और इसमें ऐसा नजर आया है कि एक फैमिली जिसको इंड्यूस किया गया था कि उसको बच्चे की जरूरत थी, हम बच्चे ला के देंगे, ऐसा आरोपी के द्वारा इंड्यूसमेंट दी गई थी। और कुछ आरोपी जो जिनका पास रिकॉर्ड भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग में है, उन्होंने एक कपल जो प्रजापति करके एक्यूज कपल हैं, वो घर लेके इस एरिया में किराए पे रह रहे थे और उन्होंने पोटेंशियल टारगेट आइडेंटिफाई किया और ये 8 महीने के बच्चे को चॉकलेट खरीद के दिलाता हूँ इस बहाने से मदर के पास से उस बच्चे को लिया और मदर काम करने वापस अंदर घर में गए। उस समय ये अपनी वाइफ, अपने 2 बच्चे और ये जो 8 महीने का बच्चा है उसको लेके फरार हो गए। पुणे के अकुडी में खंडोबा मंदिर के पास श्रीमद् भागवत कथा का आज 6ठा दिन भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर पहली बार इस तरह का आयोजन देखने को मिल रहा है। इसके आयोजक विजय गुप्ता जी की काफी सराहना हो रही है। कई नेता, उद्योगपति एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी जा रही है। जब भजन संगीत गाया जाता है तो लोग झूम उठते हैं। यहाँ सबसे अलग देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ प्रतिदिन हर रोज अलग अलग रंग के पोशाक में लोग नजर आते हैं। रोज एक रंग के कपड़े में लोगों को दिखना आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हनुमान मित्र मंडल की ये एक अच्छी पहल बताई जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे अकुडी में संगीतमय भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। भारी संख्या में इस भागवत कथा को सुनने के लिए श्रद्धालु इसमें शामिल हो रहे हैं। कई नेता, उद्योगपतियों की मौजूदगी भी देखी गई है इस भागवत कथा में। आयोजक विजय गुप्ता की सराहना की जा रही है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हर रोज पहुंचते हैं और जो श्रद्धालु हैं वो आयोजक विजय गुप्ता की भी सराहना कर रहे हैं। उन्होंने ये आयोजन किया, श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर मिला श्रद्धालुओं को और इस भागवत कथा के दौरान कई नेता और कई उद्योगपति भी शामिल हुए और भगवद गीता के सार को सुनने के लिए यहाँ पर आए और इसमें शामिल हुए। इन तस्वीरों में आप देखिए कि कितना हर्षोल्लास का ये माहौल। श्रद्धालु रोज अलग अलग पोशाक में नजर आते हैं। अकोड़ी में संगीतमय भागवत कथा का आयोजन और ये भागवत कथा का 6ठा दिन जिसमें कि श्रद्धालु भारी संख्या में मौजूद हुए और हर रोज श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। भागवत कथा को सुनने के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और पहले दिन के मुकाबले हर रोज वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। श्री संत लक्ष्मण दास महाराज राम मंदिर संस्थान मुगलाईपुरा और श्री संत लक्ष्मण दास महाराज के उत्तराधिकारी श्री संत मोरेश्वर महाराज की पहल पर हर साल कार्तिक मास की समाप्ति के उपलक्ष्य में भव्य पालकी समारोह का आयोजन किया जाता है। इस साल भी 13 नवंबर को संत लक्ष्मण दास महाराज राम मंदिर संस्थान मुगलाईपुरा की ओर से कार्तिक मास की समाप्ति के उपलक्ष्य में पालकी समारोह का आयोजन किया गया। ये जुलूस मुगलाईपुरा राम मंदिर से शहर तक निकाला गया और महाप्रसाद का आयोजन किया गया। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।